मैं हिस्सामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के कल्याण में पुलिस ने गुटखा गोदाम पर छापेमारी कर 7 लाख रुपए के गुटखा जब्त किए हैं। आपको बता दें कि कल्याण सर्कल 3 के डीसीपी सचिन गुंजल ने आज सुबह सुबह कार्रवाई की और कल्याण कोलसेवाड़ी पुलिस ने विठलवाड़ी इलाके के गायकवाड़ चाली में एक कमरे पर छापा मारा और 7 लाख रुपए का अवैध सुगंधित पान मसाला और गुटखा जब्त किया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार आरोपी मनीष कुमार यादव ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इन 5 लोगों का एक गिरोह बनाया और अवैध रूप से बड़ी मात्रा में गुटखा का स्टॉक किया और कल्याण डोंबिवली और क्षेत्रों में पान पटरी के ऊपर बेच रहा था। पुलिस ने इसका गठन किया और 5 सदस्यीय गिरोह को पकड़ने के लिए 2 अलग अलग टीमें बनाई गई और टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस पूरे मामले को लेकर राजेश शीर्षाठ सीनियर पीआई कुलसेवाड़ी ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। कल रात को माननीय डीसीपी सर को इंफॉर्मेशन मिली थी और उन्होंने वो इंफॉर्मेशन हमारे तरफ वैद्य की जाके देखो ऐसी ऐसी खबर मिली अपन को गुप्त बातमीदार की तरफ से। तो हमने जाके पीपीआई पगारे पीएसएच चौरे पीएसएच जादव उनके टीम ने जाके कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के इलाके में विठलवाड़ी करके नेहरू नगर विठलवाड़ी करके एरिया है वहाँ पे एक चाल है, चाल में गायकवाड़ चाल बोलते उसमें, वहाँ एक रूम में ऐसा कुछ संशयित माल रखा हुआ था। अभी गुटखा को कुछ पता नहीं था लेकिन इंफॉर्मेशन गुटखे की थी तो इस हिसाब से वहाँ जाके जो मालिक है मनीष कुमार श्यामवरण यादव उसके नाम से वो मकान है और उसका ही माल है वो वहाँ पे, वो छोटे मोटे जो टपरी वाले उनको बेचता है वहाँ से वो माल। तो वहाँ जाके पुलिस ने रेड किया तो वहाँ का विमल गुटखा और वो जो तंबाकू मिक्स करते हैं ऐसा 7 लाख तकरीबन 7 लाख का मुद्देमाल मिला है, सब मुद्देमाल जब्त किया है। मनीष कुमार ये अकेला नहीं करता वो बिजनेस, उसके साथ जो है इसरार अहमद है, विनोद गंगवानी है और मुकेश है और शिवम मदेशी है, ऐसे 4 लोग उसके पार्टनर है जो 5ों मिलके वो माल छोटे छोटे इसमें बेचते हैं, पान टपरी वालों को बेचते हैं और वो ऐसा पूरा कल्याण के इलाके में गुटखा बेच के नया पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर रेड करके हमने उसको सब मुद्देमाल जब्त किया है। उसी टाइम जैसे आरोपी को मालूम पड़ा है वो तब से फरार हो गया, उसके पीछे 2 टीम लगाया हमने अरेस्ट करने के लिए, शाम तक उसको भी अरेस्ट कर लेंगे हम और गुना दाखिल करने के बाद तपास पीएसआई जादव कर रहे। धन्यवाद सर। जो आरोपी वो अभी हम छानबीन कर रहे हैं कि इसके पहले इसके ऊपर कोई ऐसे गुने दाखिल है क्या हमारे पुलिस स्टेशन में या जो नज़दीक के पुलिस स्टेशन है जोन में, तो वो पुलिस स्टेशन में ये नहीं, ये आदमी के नाम से गुटखे के गुने दाखिल है क्या, अगर दाखिल है तो वो भी अपन माइटी लेके एक साथ मिलके इकट्ठा कुछ कार्रवाई कर सकते हैं क्या, ये बारे में हम कोशिश करेंगे। सर